तकलीफ दे देने की गल है ना, बीजेपी ने मसला हल करना ते ना समाज पार्टी ने करना ना कांग्रेस ने करना, समझे नी? ये सारा एक हाल है, अभी तो सीधी गल जानने भाई गुस्सा लगे किसी ने कि गरीब आदमी का किया है, जम्मू कश्मीर का क्या किया कुछ ने, कोई जम्मू कश्मीर की कोई दर्जा मिले है, कोई डिवेलपमेंट हुई आई गई है कश्मीर के लोगों ही दिखा गया सानू, लोगों ने नहीं डोगरे दिखे कुछ ने जी जी या हिंदुओं ही दिखे है, बस फिर फायदा की। नेता जी सवाल देखिए, ये सवाल पब्लिक का है, पहला सवाल है सर, जो ये बात कह रहे हैं जो दुखी हैं बिल्कुल दुरुस्त इनका ये है, लेकिन करियो कृपा थी लैपटॉप जे पंजे नंबर पर समाजवादी पार्टी आओ आओ क्यों करना करना आई लेते मुड़े भी कटी पंजे नंबर पर। तो चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है समाजवादी पार्टी के नेता, क्या चाल ठीक हो? खुलर यहाँ पर है, इलेक्शन हुआ थी ना, उन इलेक्शन में लड़ाना तो लैपटॉप पे मेरा निशान पंजे नंबर पर करियो कृपा, लोगों को अपना चुनाव निशान वो बता रहे हैं, लोग समाजवादी पार्टी को क्या प्यार देंगे या नहीं देंगे वो सब जानने का प्रयास अभी करेंगे। नमस्ते भैन जी, क्या ठीक हो? भैन जी इलेक्शन च मैं खड़ोते ना लैपटॉप है मेरा निशान, ठीक है, तो पंजे नंबर पर सौड़े ने मेरे घर, तो करो कृपा थी मेरी भैन, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं कि अब राजनीतिक माहौल जिस तरीके से गरमाया है, नेता इन दोनों गलियों गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे, हो सकता है कि 5 साल वो ना दिखें लेकिन इस चुनाव के अंदर आप उन सबको देख सकते हैं, आपके गेट पर खड़े दिखाई देंगे सुबह शाम दोपहर, आपके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े होंगे इस वक्त, क्योंकि वोट इस वक्त आपका चाहिए। तो इस लोकतंत्र की पावर को समझिए कि नेता आपके सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अभिभावक को ये आज़ादी है कि वो किसे वोट दे किसे ना दे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके चला भी नौजवानो, ठीक ठाक हो? इधर आओ भाई, इधर आओ सारे, इधर आओ आओ भाई आओ, और सब ठीक ठाक? अच्छा, और ठीक ठाक सब? आओ भी आओ नौजवानो, चाचा जी हूँ इलेक्शन आवा दी नी, इस इलेक्शन च मैं खड़ोते ना घर ने मेरे सौड़े पंजे नंबर पर निशान है मेरा लैपटॉप, ये करनी जी कृपा, ठीक है, लैपटॉप पंजे नंबर पर जी जी जी, ठीक है। अखिलेश यादव जी दी यहाँ चपकेगा नहीं, उधर चपकाना बंदा तो आई नहीं, फायदा की के नु गया अंदर, तकलीफ दे देने की गल है ना, बीजेपी ने मसला हल करना ते ना समाज पार्टी ने करना ना कांग्रेस ने करना, समझे नी? ये सारा एक हाल है, अभी तो सीधी गल जानने भाई गुस्सा लगे किसी ने किसी ने गरीब आदमी का किया है, जम्मू कश्मीर का क्या किया कुछ ने, कोई जम्मू कश्मीर की कोई दर्जा मिले है, कोई यदि डिवेलपमेंट हुई आई गई है कश्मीर के लोगों ही दिखा गया सानू, लोगों ने नहीं डोगरे ही दिखे कुछ ने जी जी या हिंदुओं ही दिखे है, बस फिर फायदा की। नेता जी सवाल देखिए, ये सवाल पब्लिक का है, पहला सवाल है सर, जो ये बात कह रहे हैं जो दुखी हैं बिल्कुल दुरुस्त इनका ये है, लेकिन हम पहली बार इस रियासत में ये चुनाव कंटेस्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, हम सब इन मुद्दों पर जैसे इन्होंने दर्जे की बात की है, तो हमारा ये पार्लियामेंट में भी देखा आपने अखिलेश जी की स्पीच, और हमने भी आपके चैनल के माध्यम से वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं हम तो दोबारा इस स्टेट से जो है स्टेट का स्टेट है वो बहाल करेंगे, और जो जहाँ की मुलाजमत है जहाँ के लोगों को देंगे, जो भी लोग जहाँ पे बसे हैं चाहे वो जगह सरकारी है किस किस्म की है उनको माल करना हक देंगे, हम तो पहले ही वचनबद्ध हैं, बाकी जो इन्होंने कहा दुरुस्त है, लेकिन ये जो पार्टियों ने किया है ऐसा तभी वो बुजुर्ग बोल रहे हैं, संतुष्ट हैं क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जब आएंगे तो तब है ना मसले, से तब ही हल होंगे ना, जब आएंगे तो मसले कैसे हल होंगे? मतलब आएंगे नहीं? नहीं आएंगे, हम तो कहते हैं भगवान की दया के नहीं आए, ये तो पब्लिक के हाथ की बात है, जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे होगा। हम कह रहे हैं कि आप तो बोल रहे हैं ये दफा 370 जो टूटी है क्या ये अच्छी है या बुरी है? ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। कैसे? देखिए 370 में हमारे लोगों को पहले तो पूरी जानकारी नहीं दी गई लोगों को, 370 तोड़ने से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था वो ये था कि हम लोगों को पहले यहाँ पे असेंबली होनी चाहिए थी, असेंबली में इसमें चर्चा होनी चाहिए और असेंबली में से बिल पास होकर केंद्र में जाना चाहिए था। अब इसमें सबसे बड़ी नुकसान की बात क्या हुई है कि जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है नौकरियाँ हैं
अब वो नौकरियों में हमें 15% नौकरियाँ कम मिलती हैं, ठीक है जी। तीसरी बात ये है कि आज आप देखिए ये यहाँ पे तभी जो नए पुल का काम चल रहा है, इसमें एक भी व्यक्ति हमारे सिस्टम से लोग नहीं लगे, पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद क्या था सर, जैसे आप देखो ये गांव में नीचे से वो बिजली की पाइपें डाल रहे हैं या वो पानी की पाइप्स डाल रहे हैं, इन सब में जितनी भी लेबर है, जितने भी ठेकेदार हैं, बुजुर्ग जी यहाँ से नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नर और केंद्र की सरकार। आप इसमें क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, क्यों नहीं बोलते आप? हमने पार्लियामेंट में इसकी बात की, अभी भी हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें इसकी बात है कि यहाँ के लोगों को जो 66,000 डेली वेजर खज्जल हो रहे हैं उनको दोबारा नौकरियों पे बहाल किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। 2013 के बाद जो भर्तियां नहीं हुई हैं बॉर्डर पे भी, वो भर्तियां होती थी, उनको रेगुलराइज किया जाए और हमारे नौजवानों को जो है भर्ती किया जाए। ये अग्निवीर वगैरह बंद किया जाए जो 4 साल का ड्रामा है। वो तो आपकी बात सही है, हम तो लगे हैं इस पे ना, क्योंकि फौजी आदमी बेचारा जो है दुरुस्त 4 साल में क्या करके बंद कर दी। अब 4 साल बुढ़ापा पेंशन भी बंद कर दी, 4 साल में नौकरी। मैं भी फौजी आदमी हूं, जी जी जी, मैंने फौज की नौकरी की है, मुझे पता है सब फौज के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ जब जो इनका कांग्रेस का तो एनसी का गठजोड़ हुआ है, जी जी जी, इसमें बारे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो गठजोड़ हुआ है, पहले तो 2 किस्म के गठजोड़ है। एक गठजोड़ है जो पार्लियामेंट के लिए हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। एक गठजोड़ जो इन रियासत में किया गया है, उस रियासत के गठजोड़ में इन्होंने जो भी किया है वो हमारी रियासत को छूट नहीं करता। आपने शायद मैनिफेस्टो पढ़ा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का, उन्होंने जम्मू की कोई एक बात भी नहीं रखी हुई है। आप जानते हैं कि जो बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ बसे हुए हैं उनको उन्होंने माल का नाक जमीन का दे दिया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई लाट जगह थी या कोई शाम लाट जगह में जिन्होंने अपना घर बनाया है, जहाँ पुश्ताना 20-20 पीढ़ियाँ चल रही हैं, उनको माल का नाक की बात नहीं की। आप जानते हैं कि यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी गई, बुढ़ापा पेंशन बंद करने नहीं सर, बंद की गई, दोबारा वेरिफिकेशन के लिए कागजात बूढ़ों वगैरहों को धड़वा धड़वा के मार दिया। जो आज बूढ़ा था कल वो जवान हो गया क्या? फिर उसके बाद में देखिए आप, पहले हमारा इन्होंने ऑनलाइन किया सिस्टम, ये डोमिसाइल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और वहाँ क्या इतनी जल्दी बन जाते हैं? पहले हम जमीन की नकल लेते थे 20 रुपये में, आजकल 100 रुपया साइबर कैफे वाला फीस लेता है, 100 रुपया दस्ती लेता है, 200 रुपया फिर हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें। सरकारें नहीं, आप लोग भी हो। हम तो इस तहसील में रोज बैठते हैं, इस तहसील में मैंने 8,000 डोमिसाइल लोगों के फ्री बनाए हैं, ये नहीं मैंने उनके सिरसान की है, वो हमारे इलाके के लोग हैं। आपने इंसानी फर्ज है, हमारा सबका फर्ज बनता है, हम तो लगे हैं बुजुर्ग जी। अब ये आपका गठजोड़ था पहले मुलायम सिंह का, तो कांग्रेस का, अब वो क्यों टूट रहा है? इंडिया लाइंस में हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इकट्ठे हैं, इंडिया लाइंस का हम हिस्सा हैं। टिकट ही नहीं दी उन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस वालों ने? देखिए अब कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दी, अब आपको पता है बहुत सारी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये अपने दोनों प्रत्याशी लड़ा रही है। मैं यूपी की, बिहार की, उधर की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की। देखिए जो हरियाणा की बात है ना, हरियाणा में जो है हमारा जो संघर्ष है वो जारी है। रही बात जो आप कह रहे हैं, जैसे अगर कोई बड़ा काम है, बड़ा काम है, जैसे आपके घर में कोई शादी होती है या कोई और बड़ा काम होता है, बेशक भाई आप बंटवारा लग रहते हैं लेकिन वहाँ आप स्टैंड रहते हैं ना, ठीक है। ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में, हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी, हमारी पार्टी पहली बार यहाँ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ठीक है। बाकी आप फौज में रहे हैं, आप इस बात को बेहतर से जानते हैं कि पहले जो हमारे यहाँ डेथ होती थी फौजी की, एक बेल्ट तो टोपी उसके घर आती थी, लेकिन जिस समय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने तो इन्होंने आदेश किया कि फौज भी वहाँ सलामी देने जाएगी और उसको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। आज की तरह नहीं, वो तो होना चाहिए, वो ऐसा किया था मुलायम सिंह यादव जी। इस बार क्या मुद्दा है नेताजी से ये पूछिए कि इस बार आप किस मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं और चेंज क्या चाहते हैं? हम ये सुनने के लिए आए हैं क्योंकि नेताजी क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। तो हम तो भाई कोई, हमारे तो मुद्दे बहुत हैं, बोलिए जिस मुद्दे पे भी बोलोगे वही, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों की नौकरियां देखिए आप, बच्चे पढ़े लिखे हैं बेरोजगार खज्जल हो रहे हैं, इनको नौकरी नहीं है। बिजली का बिल, बिजली का बिल भी देख लो, बिजली का बिल कितना आ रहा है, एक बल्ब किसी ने घर में लगाया हुआ है और एक पंखा चल रहा है उसका, उसका बिल जो है 48,000 रुपये आ रहा है उसको। ये अभी बिछना की मिसाल है, वो कहाँ से देगा बेचारा, रेडी फड़ी वो मजदूरी कर रहा है, उसके 3-4 बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें देगा वो, बिल देगा बिजली का, या अपना पेट पालेगा, कैसे करेंगे इसका मतलब? सर हमारे मैनिफेस्टो में है हम 300 यूनिट तक की बिजली टोटली फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, चाहे वो किसी को भी। ये तो बाकी पार्टियां भी कह रही हैं, मतलब 300 मोदी ने भी कहा, अभी मोदी ने कहा कि हम 200 यूनिट जम्मू कश्मीर को फालतू देंगे, फ्री में देंगे। सर तो जिस राज्य में सरकारें हैं उस राज्य में, एक मिनट भाई, वो भाई मीडिया में चल रहा है, ऐसा है
कि जिन भी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या वहाँ इन्होंने दी है आज तक? ये बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जिस भी ये बात पे उन्होंने मुद्दे पे चर्चा की है आज तक वो पूरी हुई? 15 लाख रुपये आया, 2 करोड़ नौकरियाँ आई, जम्मू कश्मीर के लोगों को सवर्ग बना के देना था, हुआ? ये जुमलाबाजी है, कई बार अमित शाह जी ने खुद कहा है। बताइए सर, वो 50 साल में कांग्रेस ने राज किया है, उसने लोगों को क्या दिया है? आप बताइए, आपने तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया हुआ है, उन लोगों ने क्या दिया है? इन लोगों को गरीबी, जलालत, आप भी बताइए ना हमें, आपके मुद्दे क्या हैं? सवाल है। आप जब जो हम जो मार्केट में, जब हम जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप आए हैं, तो आपका भी मुद्दा कोई होना चाहिए, हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे, पब्लिक को हम क्या देंगे? आप जब बन जाएंगे तो हम शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं सही स्पष्ट बात कर रहा हूँ। सर आपका सवाल ले लेते हैं। सर ऐसा है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारा 7 सूत्री प्रोग्राम है, हम जो एम्प्लॉयमेंट है, जो 1,53,000 का इस गवर्नमेंट का बैकलॉग है, उसको हम छिद्र भरवा के विद इन 3 मंथ अपने जितने भी इलाके के लोग हैं, नौजवान जितनी उनकी पढ़ाई के काबिलियत है उसके आधार पर उनको जॉब देंगे। 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इसके साथ ही जो बच्चों को हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, चाहे जो ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए हम उनको स्कॉलरशिप लगाएंगे, जब तक हम उनके लिए कोई अच्छा साधन संपन्न नहीं कर सकेंगे जैसे पहले भी होता था। 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे LG ने, यहाँ पे बच्चों का जो है वजीफा जो है स्कॉलरशिप बंद किया गया है, हम उसको रीओपन करेंगे। ऐसे ही बॉर्डर पे जैसे पहले भर्तियाँ होती थी, मैं आपके चैनल से माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ, हम उस भर्तियों को दोबारा चलाएंगे। ये नहीं कि खाली बिश्ना में ही, पूरे बॉर्डर में पहले की तरह भर्तियाँ होंगी, भर्तियाँ होकर हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, वो देश की भी और अपने परिवार की भी सेवा कर सकेंगे। हॉस्पिटल में जो 10 रुपये की पर्ची बनती है, उसके बाद अंदर बाहर पर्ची दे देते हैं कि फलाने की दुकान पर चले जाओ, वहाँ से दवाई ले आओ या फलाने से एक्सरा करवा लो, हम इसको बड़े पैमाने पर तय कर चुके हैं कि 1 रुपये की पर्ची होगी और सारी व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होंगी। बहुत अच्छी बात है। 1300 स्कूल जो जम्मू प्रोविंस में बंद हुए हैं जनाब, हम उनको दोबारा रीओपन करेंगे, हम रीओपन करेंगे। बुढ़ापे की पेंशन 1,000 नहीं होगी, हम 3,000 रुपया करेंगे। जितनी बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, ये 3,000 रुपया होगी। और शरेआम जो लूट खोट एडमिनिस्ट्रेशन में बची हुई है, इसको नकेल डालने का काम करेंगे। लगता है कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही उम्मीदवार होने चाहिए। मैं मेरे घर सेवड़े में है, आप सब सेवड़े को जानते हो, ठीक है का? बाकी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी या बीजेपी का है, कांग्रेस का दिल्ली से है, बीजेपी का रूपनगर से है, ठीक है का? तो उनको इस इलाके से क्या है, ठीक है? इसका नाम एक मौका दीजिए हमें, फिर देखिए। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI